हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड्स के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो साउंड को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। पहला होता है ओरल एंड नसल साउंड। अगर हमें साउंड प्रोड्यूस करना है तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम हमारे जो स्पीच के ऑर्गन होंगे, स्पीच के ऑर्गन यानी क्या, जैसे कि हो गए हमारे फेफड़े, हो गए मुंह, हो गया नाक, हो गया लंग्स, माउथ, नोज, इसमें से अगर हम हवा बाहर निकालते हैं तब जो बनेगा उसे हम साउंड बोलेंगे। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, साउंड प्रोड्यूस करना है तो हम हमारे जो स्पीच ऑर्गन है उसमें से हवा का जो प्रवाह होगा वो बाहर निकालेंगे। स्ट्रीम, हवा का जो प्रवाह होगा उसे बाहर निकालेंगे तो उससे हम साउंड बना पाएंगे। अब जितने भी साउंड होते हैं वो सारे के सारे साउंड या फिर ओरल होते हैं या फिर नसल होते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि ओरल साउंड यानी क्या और नसल साउंड यानी क्या। तो ओरल साउंड यानी क्या कि जब हम हवा का जो प्रवाह है, हवा जो है अगर हम हमारे मुंह से बाहर निकालते हैं तब जो साउंड बन के आता है उसे हम ओरल साउंड बोलते हैं। यानी मुंह से हवा बाहर निकालेंगे तो जो साउंड बनेगा उसे ओरल साउंड बोलेंगे। कैसे? जैसे कि यहाँ पे ओरल साउंड का एग्जांपल लिखा है, जैसे कि ये हो गया हमारा फोनेम, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसका साउंड क्या होगा, ए ए। यानी मुंह से हवा बाहर निकल रही है तो ये कौन सा साउंड हो गया, ओरल साउंड। ये के का साउंड होगा क्या, मुंह से हवा बाहर निकल रही है, ओरल साउंड हो गया। ये एच का साउंड है, मुंह से हवा बाहर निकल रही है, यानी कैसा साउंड हो गया, ओरल साउंड हो गया। यानी ओरल साउंड में क्या होगा, मुंह से हवा बाहर निकालेगी। जबकि ये जो नसल साउंड है, नसल साउंड में क्या होगा कि हमारे नाक में से हवा बाहर निकलेगी। कंप्लीटली हवा बाहर निकलेगी या फिर पार्शियली निकलेगी, कुछ हवा मुंह से निकलेगी, कुछ हवा नाक से निकलेगी, या फिर कंप्लीटली नाक से ही हवा निकलेगी। तो ऐसे साउंड को हम नसल साउंड बोल देंगे। तो नसल साउंड के एग्जाम्पल लिखे हैं, यहाँ पे एम का साउंड है। एम का साउंड क्या होगा, नाक में से हवा बाहर निकल रही है, नसल साउंड हो गया। एन का साउंड क्या होगा, नाक में से हवा बाहर निकल रही है, और इसका साउंड, ये फोनेम का साउंड होगा, तो नाक से हवा बाहर निकल रही है। यानी हमें इतना तो क्लियर हो गया है कि ओरल साउंड यानी मुंह से हवा बाहर निकालने पर जो साउंड बनता है उसे ओरल बोलते हैं, और नाक से हवा बाहर निकलती है जब तब जो साउंड निकल के आता है उसे नसल बोलते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन होता है साउंड का, वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड साउंड। वॉइस्ड साउंड यानी क्या कि ऐसे साउंड जब हम निकालते हैं तब अगर हमारा जो वोकल कॉर्ड है वो अगर वाइब्रेट होता हो, जैसे कि वोकल कॉर्ड की बात करें, स्वर पेटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वोकल कॉर्ड होता है, अगर हम कुछ भी साउंड बाहर निकालते हैं और यहाँ पे अगर वाइब्रेशन आता है, जैसे उंगली रख के भी हम चेक कर सकते हैं, वाइब्रेशन आता है तो हम क्या बोल देंगे, जो साउंड निकल रहा है वो कौन सा साउंड है, वॉइस्ड साउंड है। एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे कि हो गया ये ब का साउंड, ठीक है। ब का साउंड क्या होगा, इधर उंगली रखेंगे ब ब, यहाँ पे वाइब्रेशन, उंगली पे वाइब्रेशन लगेंगे बी के साउंड में ब ब। उसी तरीके से ये डी का साउंड क्या होगा, ड ड, यहाँ पे हम वाइब्रेशन हमें लगेगा तो कौन सा साउंड हो गया, वॉइस साउंड हो गया। और ये एम का साउंड, यहाँ पे वाइब्रेशन होगा तो जब हमारा वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करेगा तो जो साउंड बनेगा उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे वॉइस्ड साउंड, ठीक है। अनवॉइस साउंड यानी क्या, अनवॉइस्ड साउंड यानी जब हम साउंड निकालेंगे तब यहाँ पे अगर उंगली रखते हैं तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होने वाला नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमारी जो सांस नली है उसमें से ही सिर्फ हवा निकलने वाली है, यहाँ पे वाइब्रेशन नहीं होगा, सांस नली में से सिर्फ हवा बाहर निकलेगी, जिसे हम क्या बोल देंगे, अनवॉइस साउंड। उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये लेटर पी का साउंड है, पी का साउंड यहाँ पे उंगली रखेंगे, यहाँ पे कुछ भी वाइब्रेशन है नहीं और मुंह से हवा बाहर निकल रही है, यानी ये कौन सा हो गया, अनवॉइस्ड साउंड हो गया। उसी तरीके से ये लेटर टी का साउंड, मुंह से सांस नली में से हवा बाहर निकल रही है, यहाँ पे कोई वोकल कॉर्ड का वाइब्रेशन नहीं हो रहा तो क्या हो गया, अनवॉइस्ड साउंड। ऐसे ही के का साउंड है, ख, 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 यहाँ पे वाइब्रेशन नहीं है। ये एस का साउंड है, वाइब्रेशन है नहीं। ये एफ का साउंड है, यहाँ पे वाइब्रेशन है नहीं। और लास्ट में एच का साउंड है, वापस से वोकल कॉर्ड वाइब्रेट नहीं किया, यानी ये कौन सा हो गया हमारा, अनवॉइस्ड साउंड। यानी वॉइस साउंड में क्या होगा, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करेगा, और अनवॉइस्ड साउंड में क्या होगा, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करेगा नहीं। और आखिरी साउंड का क्लासिफिकेशन होता है वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पे, वही हमें लिखना है एग्जाम में भी, कि इंग्लिश के अंदर
जितने भी वॉवेल होते हैं वो कैसे होते हैं, ओरल एंड वॉइस्ड होते हैं। जितने भी वॉवेल्स होते हैं वो ओरल एंड वॉइस्ड होते हैं। ओरल साउंड यानी क्या कि जब हम मुंह से हवा बाहर निकालते हैं, नाक में से नसल हो जाएगा, मुंह से बाहर हवा निकालेंगे तब उसे ओरल, और वॉइस्ड यानी क्या जब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करेगा। तो लगभग जितने भी वॉवेल्स है वो ओरल और वॉइस साउंड पे बेस्ड है, लेकिन उसमें से कुछ तीन साउंड जो है वो नसल है। सारे तो वोवेल जो है वो ओरल और वॉइस्ड है, लेकिन उसमें से कुछ तीन साउंड जो है वो कैसे है, वो नसल है। नसल यानी नाक में से हवा हम बाहर निकालते हैं, जैसे कि एम का साउंड ये देख चुके हैं हम, न, नाक से हवा बाहर निकल रही है, ठीक है, ये न, न, और ये न, न, ठीक है। अच्छा, अब टोटल 20 वोवेल के साउंड आते हैं और 24 कॉन्सोनेंट के साउंड आते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट साउंड के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो साउंड है कौन से होते हैं वो अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन, रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।